हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जो हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस है, फर्स्ट चैप्टर के कम्युनिकेशन की प्रोसेस देखी थी और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमने देखे थे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमारे बेसिक 5 एलिमेंट थे, सेंडर मीन्स एनकोडर, सेकेंड वन रिसीवर मीन्स डिकोडर, थर्ड वन मैसेज, फोर्थ वन मीडियम एंड लास्ट वन फीडबैक। देन आफ्टर वी गो फर्दर आवर नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन इन बिजनेस। टुडे वी स्टडी अबाउट द कम्युनिकेशन इन बिजनेस। आवर सब्जेक्ट नेम हमारा क्या है? कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन हमारे सब्जेक्ट का नाम है। तो हम कम्युनिकेशन डे टू डे तो यूज़ करते हैं, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ करते हैं उसके पॉइंट्स दिए गए हैं। तो उसके थ्रू हम सभी पॉइंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा, कम्युनिकेशन गिव्स सब्सटेंस टू ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। कि कम्युनिकेशन सब्सटेंस प्रोवाइड करता है किसे? तो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना एग्जिस्टेंस है उसे मेंटेन कर सके, उसके लिए कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, रिसीविंग इनपुट्स टू डिवाइस द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स, मेकिंग द प्लान्स, मेकिंग द वेरियस मेंबर अवेयर ऑफ द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर, देयर पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग देयर एक्टिविटीज इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल एंड ग्रोथ, एंड दिस इज द पॉसिबल ओनली थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमें पता चलता है? तो कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें जो हमारी अथॉरिटी कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर कैसा है, देयर पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, हायरार्की मीन्स क्या रहेगी, वन बाय वन जो पोजिशन है, जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से मेंटेन की जाती है, कोऑर्डिनेशन हम किस तरीके से करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे सर्वाइव करने के लिए, हमारा जो बिजनेस है या फिर हमारी कोई भी कंपनी है, कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव स्टेप्स हम ले सकते हैं। इफेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए हमारा मेन पॉइंट क्या रहेगा? कम्युनिकेशन का एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। विदाउट कम्युनिकेशन नो वन ऑर्गेनाइजेशन, नो वन कंपनी कैन नॉट अचीव देयर गोल प्रॉपरली। सेकेंड वन हमारा पॉइंट है, इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉय मोटिवेशन टू वर्क। बट ऑब्वियस है कि कोई भी पॉइंट रीड करने से ही हमें यह समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो भी हमारी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एम्प्लॉय है उसको मोटिवेट कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स द मैनेजर्स नो पर्सनल नीड ऑफ देयर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज नो द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे क्या होता है कि जो मैनेजर है उसे पता चल पाएगा कि जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, उसकी नीड क्या है, उसे किस जगह पे दिक्कत होती है, या फिर कौन सा पॉइंट है जो उसके वीकनेस है, उसे मोटिवेट कर पाए, उसे बता पाए कि जिसकी वजह से वो अपने जो भी वर्क है उसमें करेक्शन कर पाए। और सेकेंडली हमें क्या बताया गया है, एम्प्लॉय नो द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो एम्प्लॉय है, जो पर्सन जॉब करता है, जो एम्प्लॉय है कंपनी में, उसे भी पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन की, उसे भी पता चल पाए। वन ऑफ द नीड आर नोन, कम्युनिकेशन कैन हेल्प फोस्टर द मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स टू कोऑर्डिनेट देयर नीड्स विद द ऑर्गेनाइजेशनल नीड। कि जो भी पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, वो क्या करता है कि एक बार उसे पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो उसे जो भी वर्कर है उस पर ज़्यादा इफेक्ट आएगी, उसे इजीली मोटिवेट कर पाएंगे और कम्युनिकेशन के थ्रू वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है और जो वर्कर्स है उसकी भी नीड क्या है। वो कब पता चल पाएगा? कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चल पाएगा। इसलिए हमारा सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है, इट इम्प्रूव्स द एम्प्लॉयज मोटिवेशन टू वर्क। नेक्स्ट वन हमारा, थर्ड वन पॉइंट है, फैसिलिटेट्स लीडरशिप, लीडरशिप फैसिलिटेट्स कर पाए
Communication enables a manager to understand the attitudes, feelings and ideas of his subordinate. Communication के थ्रू क्या पता चल पाएगा? तो कि हम समझ पाएंगे कि कोई भी मैनेजर है वो अपने जो वर्कर है, जो भी उसके नीचे वर्क करते हैं, उसके एटीट्यूड क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके न्यू आइडियाज़ क्या है, उसके सबोर्डिनेट के थ्रू उसे कम्युनिकेशन के थ्रू पता चल पाए. द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप एक्सरसाइज थ्रू प्रिसीजन रेदर देन कॉमन प्लेस अ ग्रेटर प्रीमियम ऑन कम्युनिकेशन. कि जो मॉडर्न कंसेप्ट है लीडरशिप का, वो एक्सरसाइज से एक किया गया है कि उसमें उसकी एक कॉमन प्लेस बताई गई है कि उसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रेट प्रीमियम ऑन कम्युनिकेशन है, कि कम्युनिकेशन की वजह से लीडरशिप में इजीली हम वर्क कर पाते हैं. अगर आप लीडरशिप लेते हो लेकिन कम्युनिकेशन ही नहीं करते हो तो फिर आप लीडरशिप कैसे ले पाओगे? लीडरशिप आप कब ले पाओगे? कि जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आपको किस पर्सन से कैसे बात करना है, एम्प्लॉय से कैसे वर्क करना है, लेबर से कैसे वर्क लेना है, उस सब की इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आपके पास प्रॉपर स्किल हो, तभी आप लीडरशिप ले सकते हो कोई भी चीज़ की. अदरवाइज आप लीडरशिप ले पाओगे नहीं. फोर्थ वन हमारा पॉइंट है हेल्प पब्लिक रिलेशन. कम्युनिकेशन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन में हम पब्लिक रिलेशन के थ्रू किस तरीके से हेल्प मिल सकती है कम्युनिकेशन में देखते हैं. चलो, अ बिजनेस एंटरप्राइज कम इन कॉन्टैक्ट विद सेवरल सोशल ग्रुप्स, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक. कि पब्लिक रिलेशन में कौन कौन सी आते हैं? कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी है या फिर फर्म है, वो सेवरल सोशल ग्रुप के साथ कनेक्टेड रहते हैं. बट ऑब्वियस है कि आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के साथ साथ आपके रिलेटेड जो बिजनेस ग्रुप है, जो सोशल ग्रुप है, उसके साथ भी आप कनेक्टेड रहते हो. तो वैसे ग्रुप कौन से होते हैं? कस्टमर का ग्रुप रहता है, आपकी कंपनी है तो कंपनी के जो भी शेयर होल्डर है उनका ग्रुप रहता है, गवर्नमेंट एजेंसीज है तो उनका भी ग्रुप रहता है, एंड लास्ट वन है पब्लिक. क्योंकि आप बिजनेस करते हो तो फिर बिजनेस करने के लिए हमारा फर्स्ट वन क्या रहेगा, रिलेशन किसके साथ रहेगा? पब्लिक के साथ ही रहेगा. फिर पब्लिक में कितने सारे भी ग्रुप हो सकते हैं, शेयर होल्डर का, कस्टमर का, गवर्नमेंट का, कोई भी आप ग्रुप ले सकते हो. इट मस्ट मेंटेन हारमोनियस रिलेशनशिप विथ दिस ग्रुप. जो भी ये कस्टमर है, गवर्नमेंट है, एजेंसीज है, उन सब के साथ पब्लिक के साथ प्रॉपरली रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो भी बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ग्रोथ हो सके. उसके लिए कम्युनिकेशन इनेबल्स द मैनेजमेंट टू मेंटेन कॉन्टेक्ट्स विद दिस ग्रुप्स एंड टू डेवलप अ फेवरेबल इमेजेस ऑफ द एंटरप्राइज इन द आउटसाइड वर्ल्ड. कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है? मैनेजमेंट है वो मेंटेन कर सकते हैं, जो भी ग्रुप है उनके साथ कॉन्टैक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं, जो भी रिलेशन है उसे डेवलप भी कर सकते हैं कि जिस ग्रुप की जो भी रिक्वायरमेंट है और आउटसाइड द वर्ल्ड जो एंटरप्राइज है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से वो रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर पाए. नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इंक्रीज हो सकता है? इंडिविजुअल्स गेट ग्रेटर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर जॉब्स व्हेन दे आर टोल्ड क्लियरली हाउ वेल दे आर डूइंग एंड व्हाट दे शुड डू टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस. यहाँ पे क्या दिया गया है? कोई भी पर्सन हो, सपोज आप मान लीजिए कि आप कोई भी जगह पे जॉब करते हो एक्स वाई जेड कंपनी में, तो फिर आपका वहाँ पे कोई मैनेजर रहेगा या फिर कोई भी हाई अथॉरिटी पर्सन रहेंगे, तो फिर वो आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप ये काम बहुत अच्छे से करते हो, आपकी ये स्किल बहुत अच्छी है, उसकी वजह से कंपनी को इतना बेनिफिट हुआ है. तो फिर क्या होगा? आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपने जो भी वर्क किया है वो बहुत अच्छे से किया है, और साथ ही साथ आपकी जो भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने चाहिए. कि सपोज़ मान लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट पे आपकी कोई वीकनेस है, वो आपको पता नहीं है कि आपकी वीकनेस क्या है, बट अगर जो भी हाई अथॉरिटी पर्सन है वो आपको बता पाएंगे कि ये स्किल आपकी बहुत अच्छी है ये स्किल की कंपैरिजन में, तो फिर क्या होगा कि जो स्किल आपकी वीक स्किल है उसे भी आप इम्प्रूव कर पाओ,
जिसकी वजह से आपका ऑल ओवर जॉब परफॉर्मेंस क्या होगा, इम्प्रूव होगा, कि जिसकी वजह से आपको जॉब सेटिस्फेक्शन प्रॉपरली मिल पाएगा। थ्रू द कम्युनिकेशन अ मैनेजर कैन कीप हिज सबॉर्डिनेट इन्फॉर्म टू द रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स, ही कैन डेवलप देयर इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन वर्क बाय कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली बाय देम। बट ये सब क्या हो सकता है कि आपका जो सबॉर्डिनेट है वो आपको इन्फॉर्म कर पाए रिजल्ट है, या फिर आप बहुत अच्छा एफोर्ट करते हो, आपके जो कलीग है सबॉर्डिनेट है वो क्या करते हैं, आपने कुछ भी अच्छा वर्क किया है तो फिर आपको वो अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं ये वर्क आपने बहुत अच्छा किया है। और आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है उसे उसमें आपको मोटिवेशन भी मिल पाएगा। बट ये किस तरीके से होगा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से। आपका सबॉर्डिनेट आपके साथ है, आपने वर्क अच्छा किया है, लेकिन वो आपको बताएगा ही नहीं तो फिर आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। या फिर हाई अथॉरिटी पर्सन है, आपको कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि ये आपकी स्किल अच्छी है या फिर ये पॉइंट आपका वीक है, तो फिर आपका जॉब सेटिस्फेक्शन आपको मिलेंगे नहीं। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है, कम्युनिकेशन हेल्प मैनेजर्स इन परफॉर्मिंग देयर मैनेजरियल रोल्स। कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी मैनेजर है अपना रोल जो परफॉर्म करता है, मैनेजरियल रोल है, वो प्रॉपर वे से प्रॉपर तरीके से वो रोल प्ले कर सकता है। एक ऑथर है हेनरी, उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, मैनेजर्स परफॉर्म्स इंटरपर्सनल informational and decisional role and communication play an important part in each of these role. जो भी person है वो interpersonal, जो manager है वो तो कई सारे role play करता है, कोई एक fix role तो नहीं रहता है कि manager को ये ही work करना है। No doubt वो manager है तो उसको सब point के बारे में पता होना चाहिए, सब इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। डिसीजन भी कौन लेंगे, मैनेजर ही लेंगे, तो फिर जो भी मैनेजर है उसका परफॉर्मेंस इंटरपर्सनल भी रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उसके पास प्रॉपर वे से होनी चाहिए, डिसीजन भी वही लेगा तो डिसीजन रोल भी वो उनको ही प्ले करना है। एंड कम्युनिकेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इंटरपर्सनल है, डिसीजन लेना है, इन सब का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, डिसीजन लेंगे लेकिन हम मन ही मन में सोच लेंगे कि नहीं ये डिसीजन मेरा प्रॉपर है, तो फिर वैसा तो नहीं चलेगा। जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसमें जो भी आपने डिसीजन लिया है वो किसी को बताना तो पड़ेगा, तो आप बताएंगे तो फिर किस तरीके से बता पाएंगे। जो भी कम्युनिकेशन है इन सब में, मैनेजर के परफॉर्मेंस में कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कि विदाउट कम्युनिकेशन मैनेजर कैन नॉट प्ले देयर रोल। In performing their interpersonal role, the managers interact with the superiors, peers and subordinate. But obviously, manager जो अपना role play करता है तो role play के साथ साथ उसे जो अपने subordinate है, superior है, उसके peers है, means colleague है, उन सबके साथ बातचीत करनी रहेगी, interaction करना रहेगा। The every fact that they interact with other means that they communicate with each other. जो भी ये फैक्ट है कि सबॉर्डिनेट है, पीयर्स है, सुपीरियर्स है, उन सबके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, उसका मीन्स क्या रहता है कि कम्युनिकेट विथ ईच एंड अदर, कि सबके साथ उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। सपोज मान लीजिए कि सुपीरियर्स है तो उसके साथ कम बात करनी रहेगी, जो भी ऑर्डर लेने रहेंगे या फिर वैसा ही कुछ करना रहेगा मैनेजर को, तो उसके साथ हम बातचीत हमारी थोड़ी होगी। मींस सपोज हम मान लीजिए कि 100% है तो 100% है, उसमें से सुपीरियर जो भी ग्रुप है उसके साथ हमारी मैनेजर की कितनी बात होगी, 10% बात होगी। पीएस के साथ कितनी बात होगी, 45% बात होगी। और पीपल वो आर नॉट अ पार्ट ऑफ हिज यूनिट, के जो भी पर्सन है वो कंपनी के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं है, उसके साथ कितनी बात होगी, 45%। ये बात मैं आपको दूसरे एग्जांपल के साथ भी बता देती हूँ। सपोज़ के आप स्टूडेंट हो तो फिर आप मान लीजिए कि टीचर्स के साथ आपकी कितनी बात होती है, मान लीजिए 40%। प्रिंसिपल सर के साथ आपकी कितनी बात हो पाएगी, वो भी 1% चांसेस ही रहेंगे। या फिर हम 10% जो हमारे हैं टीचर्स के साथ आपकी 10% बात होगी, आपके फ्रेंड के साथ आपकी कितनी बात होगी,
वो तो कहीं ज्यादा आप बातचीत आप करते हो, इसलिए आपके जो भी फ्रेंड्स है उसके साथ आपकी बातचीत होगी 45%, और आपके जो फैमिली मेंबर है जो स्टडी से बाहर है, नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टडी, उसके साथ भी आपकी कितनी बात होगी, 45%। तो हो गया 100%। 10% आपकी टीचर्स के साथ, आपके फ्रेंड के साथ 45%, और फैमिली के साथ 45%। नेक्स्ट वन, हमारा नेक्स्ट वन पॉइंट है, लास्ट वन, 7th, रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स। एन इफेक्टिव सिस्टम आ कम्युनिकेशन रिजल्ट इन ग्रेट सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट। बट ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन से हम क्या हो सकता है कि हम टाइम भी सेव कर सकते हैं और एफर्ट भी सेव कर सकते हैं। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ही आप एग्जांपल देख लीजिए। अब ये जो सेलफोन है, मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, तो उसकी वजह से आपको कोई भी न्यूज़ देनी हो तो आप इजीली फ़ोन करके न्यूज़ दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सेलफोन ही नहीं होते तो फिर आपको कोई न्यूज़ देनी है तो उसमें कितना टाइम भी कंज्यूम होता और आपको एफोर्ड भी करना पड़ता। लेकिन अभी सेलफोन की वजह से आपको उतना टाइम भी आपका कंज्यूम नहीं होता और आपको उतना एफोर्ड भी नहीं करना पड़ता। A manager can keep in touch with his subordinates by sitting in his office. Manager है क्या करता है, वो टच में रहते हैं जो भी उसके सबॉर्डिनेट है उसके साथ, क्योंकि ऑफिस में उसे अपने जो सबॉर्डिनेट है उसके कलीग है उसके साथ ही वर्क करना है। इस वजह से he need not go to them every now and then, कि वो कई बार बाहर भी जाते हैं लेकिन वो उसके जो सबॉर्डिनेट है उसके साथ उसे ऑफिस में वर्क करना है। सिमिलरली द सबॉर्डिनेट कैन कीप द मैनेजर इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ देयर वर्क थ्रू रिपोर्ट्स एंड विदाउट विजिटिंग हिम पर्सनली। ये भी हो सकता है कि मैनेजर की जो भी वर्क प्लेस है, सपोज मान लीजिए कि मैनेजर के साथ डेली मीटिंग या फिर सीटिंग नहीं होती है, तो फिर क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो क्या करते हैं, उसका जो भी वर्क रिपोर्ट होगा वो मैनेजर को सबमिट करवाते हैं। उसकी वजह से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मिल जाएगा और मैनेजर को पर्सनली विजिट भी नहीं करने पड़ेगी। सच इकोनॉमी इन टाइम एंड एफर्ट हेल्प टू एंश्योर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी इकोनॉमी के टाइम है, जो भी एफर्ट्स है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे एफर्ट्स एंड टाइम, हम टाइम सेव भी कर सकते हैं और एफर्ट्स हमारे रिड्यूस भी कर सकते हैं, वो भी इफेक्टिव वे के थ्रू। नेक्स्ट वन हमारा पॉइंट है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन के बारे में तो अब आपको बेसिक जो भी नॉलेज है वो आपको मिल गई है, और आप सबके कम्युनिकेशन भी ज़्यादा अच्छी है इसीलिए बातचीत ज़्यादा होती है। लेकिन अब जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन में, और जो भी कम्युनिकेशन के बैरियर्स है उसको ओवरकम हमें कैसे करना है, नेक्स्ट हमारे ये चैप्टर का लास्ट यही पॉइंट है। कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या क्या है और जो भी बैरियर्स है उसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बैरियर्स को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो फिर वो हम जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है उसका इंट्रो मैं आपको दे देती हूँ, उसके पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स द कोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द सेंडर, ट्रांसमिटिंग इट थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज एट द एंड द रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है कि मैसेज को एनकोड करते हैं सेंडर, उसके बाद उसे मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट करता है, और जो भी मैसेज है उसे रिसीवर रिसीव करता है, मींस डिकोड करता है, और रिसीवर जो है वो क्या देता है, जो भी मैसेज है उसके अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, कि रिसीवर फीडबैक प्रोवाइड करता है। सेम मैनर टू कंप्लीट अ कम्युनिकेशन साइकिल, के सेम मैनर कम्युनिकेशन जो भी साइकिल है सेंडर से लेकर रिसीवर तक और फीडबैक प्रोवाइड करने तक, जो भी कम्युनिकेशन साइकिल है हमने प्रोसेस देखी है, कम्युनिकेशन साइकिल मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो कंप्लीट होगी। द कम्युनिकेशन इज परफेक्टली सक्सेसफुल व्हेन मैसेज इन द माइंड ऑफ द सेंडर इज ट्रांसफर्ड एज इट इज अनचेंज्ड इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। कम्युनिकेशन परफेक्टली सक्सेसफुल कब मानी जाती है, कि जो भी सेंडर के माइंड में जो भी थॉट प्रोसेस आई है या फिर जो भी आइडियाज आया है, थॉट आया है,
वो कम्प्लीटली विदाउट अनचेंज्ड, कि उसमें कोई भी मैसेज में चेंज नहीं होता है, वो अनचेंज्ड मैसेज है वो रिसीवर के माइंड तक पहुंच पाए, उसे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन माना जाता है। बट मान लीजिए कि मैनेजर जो भी सेंडर है उसने जो भी थॉट प्रोसेस उसके माइंड में आई है वो रिसीवर के माइंड तक नहीं पहुंची है, या फिर रिसीवर तक वही मैसेज उसने दूसरे वे से लिया है, तो फिर जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट या फिर परफेक्ट मानी जाएगी नहीं, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इम्परफेक्ट मानी जाएगी। There are several factors which prevent the message from the being properly conveyed. Even in the best communication system, there are some defects which comes barriers to effective communication. जो भी हमारा मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे हो सकता है, बट बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है उसमें भी कोई तो ऐसा पॉइंट होता ही है कि वो बैरियर क्रिएट करता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में भी। आपको जो भी बात बतानी है, आपको पता है कि आपको यही बात बतानी है, बट मान लीजिए कि वो बात आपको पता है कि मुझे ये बताना है, लेकिन वो बात को आप प्रॉपरली मैसेज के थ्रू एक्सप्रेस ना कर पाए, या फिर मैं रिसीवर है उसके माइंड तक प्रॉपर वैसे वो ना पहुँच पाए, आपके पास बेस्ट कम्युनिकेशन चैनल भी है फिर भी, तो फिर उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम मान सकते हैं नहीं है। मींस कोई भी बेस्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस रहेगी तो उसमें भी माइनर तो बैरियर्स क्रिएट होंगे ही। इसलिए जो हमने इमेज देखी थी ना कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसमें डॉटेड एरिया बताया गया था। डॉटेड एरिया है वो क्या डिस्क्लोज करता था, तो कि वो ये डिस्क्लोज करता था कि नॉइस है या फिर अननेसेसरी नॉइस है, वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कंटिन्यू आते ही रहेंगे। Some of these defects are in the mechanical device used, some in the human mind, and others in the instrument of communication, namely language and other symbol used. कम्युनिकेशन में बैरियर्स तो कई तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। कोई भी जो आपने मीडियम चूज किया है वो मीडियम के थ्रू भी हो सकता है, जो लैंग्वेज है लैंग्वेज के थ्रू भी बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, जो साइन और सिंबल आपने यूज़ किया है उसके थ्रू भी बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन क्या है बिजनेस पॉइंट के लिए? कम्युनिकेशन एक लाइफलाइन है, विदाउट कम्युनिकेशन बिजनेस कैन नॉट अचीव देयर गोल। ये आप खास याद रखिएगा, कम्युनिकेशन बिजनेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Anything going wrong may cost the organization. Their managers often complain that one of their greatest problem is communication breakdown. कोई भी person है या फिर आपको कहीं भी जगह पे job करनी है या फिर आपके पास communication skill proper रहेगी तो फिर आप easily आपका जो भी work है वो आप complete कर पाएंगे। But जो problem कहाँ पे आएगी कि जो communication हमारा breakdown होगा वहाँ पे। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि मैनेजर है वो भी अपना वर्क कंप्लीट प्रॉपर वे से नहीं कर पाएगा और जो ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। स्पेशलिस्ट हैव मेड सीरियस स्टडी ऑफ इट एंड हैव आइसोलेटेड सर्टेन फैक्टर्स दैट कॉजेस दिस प्रॉब्लम। जो भी स्पेशलिस्ट है कम्युनिकेशन में उन लोगों ने जो भी बैरियर्स है उसके बारे में स्टडी किया और उसके जो भी कॉजेस है उसे हम प्रॉब्लम है, जो बैरियर्स मींस क्या रहेगा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसे हम किस तरीके से डायग्नोस कर पाए वो भी रिसर्च किया। इट इज़ वर्थ वाइल हैविंग अ लुक एट दिस कॉजेस ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कि हम जो भी दे अब नेक्स्ट हमारे पॉइंट रहेंगे वो कॉजेस रहेंगे कि बैरियर्स किस तरीके से और कितने कितने क्रिएट हो सकते हैं उसके पॉइंट है, और बैरियर्स का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो कम्युनिकेशन बैरियर्स है उसके जो पॉइंट्स हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप कभी भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Have a wonderful day. Take care.